वादिया सवात की एक और बेटी ने पाकिस्तान के लिए एशियन गर्ल्स एम्बेसडर अवार्ड जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। 14 साल हदीका को ये अवार्ड, आपको बताते चलें कि सवात में कम उम्र में लड़कियों की शादियों और हकूक के लिए काम करने पर दिया गया है। सवात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देख लीजिए। यह है 14 साल हदीका बशीर, जिसने एशियन गर्ल्स एम्बेसडर्स अवार्ड जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और यही वजह है कि इस अवार्ड के हसूल से हदीका बशीर और उनके खानदान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस है। इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक से लड़कियाँ थी, इंडिया से, आर्मेनिया से, मंगोलिया से, और जिसमें मैं पहली पाकिस्तानी लड़की थी कि ये मुझे एशियन गर्ल्स एम्बेसडर अवार्ड मिला है। हदीका बशीर के अलावा इस अवार्ड के लिए एशिया की कई दीगर ममालिक की लड़कियाँ भी नामजद हुई थी, जिसमें हदीका बशीर ने ये अवार्ड जीत कर पहली पाकिस्तानी एशियन गर्ल्स एम्बेसडर्स बन गई। बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी बेटी ने ये अवार्ड जीता है और उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और पाकिस्तान को अमन का सफीर बना दिया है। हदीका बशीर को ये अवार्ड बैनुल अक़वामी एनजीओज गार्डन होप और ताइवान की वजीर खारिजा की तरफ से स्वात में लड़कियों की कम उम्र की शादी और उनके हकूक के लिए की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में दिया गया है। हदीका बशीर को इससे कबल भी मोहम्मद अली ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साल हदीका बशीर को इंटरनेशनल एम्बेसडर अवार्ड मिलना न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज से कम नहीं। अनवर अंजुम, आज न्यूज़, सईदुशरीफ, स्वात।